हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं बुक रिव्यू की सीरीज में एक और बहुत ही अच्छे बुक में से एक के बारे में, और इसका टाइटल आप देख सकते हैं, फार्माकोलॉजी एन इलस्ट्रेटेड रिव्यू बाय मार्क ए सिमोंस। ये पब्लिकेशन है थीम पब्लिकेशन का, जो कि मेडिकल की फील्ड में काफ़ी अच्छी और वेल नोन इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल है जो अपना मास्टर फार्माकोलॉजी में कर रहे हैं, या जो MBBS के स्टूडेंट हैं या MD की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल है। बी फार्मा और डी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए मैं पूरी तरह से सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उनके लिए कंपलसरी नहीं है, बट अगर वो देखना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा से शॉर्ट में बूस्ट करना चाहते हैं, तो वो प्रीफर कर सकते हैं। बट मेनली रिकमेंडेशन मेरा मास्टर डिग्री के स्टूडेंट एज वेल एज MBBS स्टूडेंट के लिए है। ये बुक क्यों खास है इसकी बात करते हैं। इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स है और इसके अंदर के कंटेंट को भी आपको मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले इसके टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो लगभग लगभग इसमें फार्मेसी के सिलेबस का काफी कुछ हिस्सा आपको बहुत शॉर्ट में मिल जाएगा। मुझे पता है कि आपको वहां से ये टेबल ऑफ कंटेंट बहुत क्लियरली नहीं नजर आ रहा होगा, तो एक काम करते हैं, इनके टेबल ऑफ कंटेंट का अलग से एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैं यहां पे दिखा देता हूं, ताकि आप इनके टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में फैमिलियर हो जाएं। उसके बाद हम वापस जाकर के इस बुक के जो बुक मार्क लगा रखे मैंने हाईलाइट पॉइंट को, इनको देखेंगे। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करते ही आप इस बुक को डिस्काउंट में परचेज कर सकते हैं। यूं तो बुक का एक्चुअल प्राइस 1100 रुपये है, लेकिन इसका डिस्काउंट कंपनी की ओर से 200 रुपये मिल रहा है, तो आपको नेट प्राइस मिलेगा 880 रुपीज़। इसके बाद भी अगर आप पटेल 50 का कूपन कोड अप्लाई करते हैं, तो आपका जो टोटल प्राइस पड़ जाएगा वो 550 रुपीज़ आपको पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये भी आपके बेनिफिट के लिए ही है। चलिए मूव करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे मेन टॉपिक, वो ये है आपके जनरल प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी। इसके अंतर्गत आपको फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोजेनेटिक्स एंड स्पेशल कंसीडरेशन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर यहां पे आपको मिलेगा। हर एक यूनिट के बाद आपको क्वेश्चन आंसर पक्का मिल जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आप देखेंगे द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन, कोएनर्जिक एजेंट, एडिनर्जिक एजेंट, फिर से क्वेश्चन एंड आंसर इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस का, साथ में आपको एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा। इसके बाद अगला यूनिट है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सब टॉपिक पाएंगे न्यूरो फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल, एनेस्थेटिक एजेंट, एनोक्सियोलाइटिंग एंड सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी मैनिक ड्रग आपको मिल जाएगा, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी साइकोटिक, ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड रेस्पेक्टिवली एंटागोनिस्ट आपको मिल जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल जाएगा। ड्रग ऑफ एब्यूज, जिसका हम लोग अब्यूज कर सकते हैं, वो आपको यहां से मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आपको अगला मिलेगा यूनिट, वह है ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत डिफरेंट टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं, ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी, थायराइड एंड एड्रिनल डिसऑर्डर्स। साथ में मिलेंगे आपको ड्रग यूज इन रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी, इंसुलिन, हाइपोग्लाइसेमिक एंड एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। इसके साथ साथ फिर से आपको मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर विद देयर एक्सप्लेनेशन। अगला यूनिट है ड्रग एक्टिंग ऑन रीनल एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट होता है कार्डियोवैस्कुलर का। इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे रीनल फार्माकोलॉजी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से, एंटी एंजाइनल ड्रग, एंटी एरिथमिक ड्रग और ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड, इसके अंदर हीमेटेनिक्स भी आ जाएगा। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग आपको पढ़ना पड़ेगा, लिपिड के एक्सेस होने पे कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर आपको इस यूनिट के क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। अगला यूनिट यूनिट 6 है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इनमें से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके मास्टर्स में पूछे जाते हैं। इनके अंतर्गत टॉपिक हैं कुछ इस तरीके से, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ये बी फॉर्म में भी पूरा सिलेबस आपको मैच करेगा। फिर से इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। अगला यूनिट है यूनिट 7 एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सारे यूनिट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप कहीं पे मान सकते हैं, तो वह है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, खास करके कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मिलेंगे आपको प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एंटी वायरल ड्रग, एंटी फंगल एंड एंटी पैरासाइटिक ड्रग, इस यूनिट के क्वेश्चन और आंसर। अगला यूनिट है आपका ऑटोकॉइड्स, एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं ऑटोकॉइड के साथ NSAID कैटेगरी के ड्रग। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग, जो कि आपको इस बुक में समराइज वे में मिल जाएगा विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम एंड फ्लोचार्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। इसके बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ पे एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक
एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग NSAID, फिर से इस यूनिट के क्वेश्चन और आंसर। लास्ट यूनिट में आपको मिलेगा कैंसर कीमोथेरेपी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें आप कैंसर की कीमोथेरेपी और साथ में इम्यूनोसप्रेशन ड्रग के बारे में पाएंगे। उसके साथ साथ टॉक्सिकोलॉजी और पॉइजनिंग के बारे में भी आपको नोट्स मिलेगा, कौन से ड्रग का पॉइजन इफेक्ट होता है, कौन सा उसका एंटीडोट है, क्या उसका मैकेनिज्म ऑक्शन है, जैसा मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। इसके बाद फिर से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर। हर एक यूनिट के खत्म होने के बाद जो महत्वपूर्ण तरीके से मिल रहे हैं आपको, वो है उस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको लगभग लगभग बोलना चाहिए सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो चलिए मूव करते हैं, कुछ और हाईलाइट को मैं आपको दिखा दूं। सो आपने इसके टेबल ऑफ कंटेंट तो देख लिए, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम हर बुक का रिव्यू करते हैं और आपके पास बहुत सारे बुक के ऑप्शंस हैं, तो कौन सा बेस्ट बुक होगा, इसे आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो मेरा आपके लिए जवाब सिंपल सा है। जब आप टूथपेस्ट करते हैं दिन की शुरुआत करते हुए, तो आपके पास बहुत सारे टूथपेस्ट होते होंगे, एन नंबर ऑफ टूथपेस्ट आर देयर इन मार्केट। कौन सा टूथपेस्ट आप सेलेक्ट करते हैं वो आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, पसंद के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। मतलब क्या हुआ, एज ग्रुप के बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का अलग अलग चॉइस हो सकता है। इवन आपके फैमिली में जितने भी मेंबर रहते हैं सबका पसंद अलग अलग हो सकता है। और मजेदार चीज पता आपको क्या है, अगर आप हिमालय का टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे तो भी आपको हिमालय के अंदर ही कई सारे अलग अलग मिल जाएंगे। सो एक ही कंपनी जब अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है तो फिर हमारे पास बुक के ऑप्शन तो अलग अलग होंगे ही, हर बुक में कुछ ना कुछ खास अलग अलग होता है। इस बुक की खास बात क्या है कि इस बुक में हर एक पॉइंट को समराइज टू द पॉइंट स्पेसिफिकली आपको एक्सप्लेन किया गया है। लेंथी और अननेसेसरी पैराग्राफ को यहां पे ओमिट कर दिया गया है। डायग्राम तो उसमें एक से एक बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है। तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट को ध्यान देना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट को डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, जैसा मैं क्या करता था अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट को डायग्राम में क्रिएट किया ही गया है। डायग्राम इतना अट्रैक्टिव और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कोई भी बच्चे इसको देख के समझ जाएगा। सो आपने इंडेक्स तो देखा ही देखा, चलिए मैं आपको इसे कुछ हाईलाइट के बारे में बता दूं। सबसे पहले मैं शुरुआत कर देता हूं इसके मेन चैप्टर की शुरुआतिंग से ही, जो है आपका बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक। थोड़ा सा इसको टर्न करूंगा, वैसे बुक टर्न में करता नहीं हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट इसमें देखिए, फार्माकोकाइनेटिक में जितने भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उनके मेन मेन हाईलाइट यहाँ पे दिए गए हैं। साथ में इसमें टेबल और फ्लो चार्ट तो ऐसे डाल दिए गए हैं जैसे कि आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कंपेरेटिवी टेबल है कि कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देने से आपको क्या एडवांटेज मिलते हैं और क्या उसकी लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि डिसएडवांटेज तो नहीं बोल सकते, पर हाँ क्या लिमिटेशन है वो आपको मिलेगा। और ये आपकी बी फार्मेसी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में काम आएगा, खास करके फोर्थ सेमेस्टर में आपके क्वेश्चन इसी से डायरेक्टली आते हैं। तो ये आपके 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, जो बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। साथ साथ अगर आप ड्रग का रूट देखेंगे तो उसके जो पैरामीटर हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से, दैट मींस बायो अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे अफेक्ट होता है, वो ग्राफ से एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सबको तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वीडियो के माध्यम से, बट जो मैंने बुक मार्क लगाए हुए हैं इनको मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी आप बात करते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, या फिर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो वो जो सर्किट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, वो हमारे ब्रेन के सर्किट को उड़ा देते हैं, क्योंकि बहुत टफ होता है। कौन सा किस पार्ट को अफेक्ट करता है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स में इन्वॉल्व होते हैं, उसका मूवमेंट, उसका कंट्रोल कौन सा होता है, ये याद करना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम का जो जाल बिछा हुआ है, कहां पे किसका क्या रोल है, हार्ट पे क्या काम है, GIT पे क्या काम है, खाओ पियो रिलैक्स करो, ये जो शॉर्टकट्स हमने देखते हैं अपने सिंपैथेटिक सिस्टम के, भागो फियर फाइट फ्लाइट वाले सिस्टम में, उन सबको टेबुलर फॉर्म में विद द रेस्पेक्टिव डायग्राम विद द रेस्पेक्टिव लोकेशन यहां पे समझाने की कोशिश करी गई है। ये जो मास्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि उनके पास समय कम होता है प्रिपरेशन के लिए। सो केवल हाईलाइट पॉइंट को यहां से देख सकते हैं। सो दिस इज अ इलस्ट्रेटेड रिव्यू, नॉट अ टेक्स्ट बुक प्रॉपरली फॉर बी फार्म स्टूडेंट, बट ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कंटेंट आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ये एक नॉन पेड वीडियो है, रिव्यू वीडियो है, जिसमें हम अपने ओपिनियन यहां पे शेयर कर रहे हैं। इसके कोई भी पैसे हमको चार्ज करने नहीं होते हैं और हमको मिलते भी नहीं कोई पैसे। यहां पे देखिए अगले पॉइंट में कितना क्लियरली समझाया गया है, गाबा ग्लूटामेट ग्लाइसिन इनके क्या रोल होते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, और सबसे जरूरी चीज़ होती है वो ये कि कौन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिसाब से कितने कितने आपके जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, उससे एसोसिएटेड डिजीज या डिसऑर्डर क्या होते हैं, वो चीज़ें आपको बहुत हाईलाइट तरीके से मिल रही हैं। और हर एक पेज में कुछ खास बात ये है कि उसमें हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को जोड़ा गया है। जब कभी भी आप गाबा रिसेप्टर के बारे में पढ़ते होंगे, क्लोराइड चैनल के बारे में पढ़ते होंगे, तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में, मैं कह रहा हूँ काफ़ी बुक में जिसे मैंने देखा है, उसमें इनका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो 3D नहीं होता, वो 2D या नॉर्मल वेव होते हैं। तो हमको समझ में नहीं आता कि क्लोराइड चैनल ओपन कहाँ से हो रहा है, क्लोज कहाँ से हो रहा है, किस पे अल्फा बीटा
गामा पे माइंड हो रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता पाथ दिखता ही नहीं, हाइपर प्लसन हमको दिखता ही नहीं, बट केवल मुझे अभी तक, हो सकते हैं किसी और बुक में भी हो पर मैंने देखा ना हो, बट अब तक मैंने जो देखे हैं उसमें ये पहला बुक है जिसमें ग्लाइड चैनल के पाथवे को एक 3D डायग्राम के रूप से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है कि हाँ इन चारों के बीच में गैप है और यहाँ से हम इन पॉइंट को देख सकते हैं मूव करता हुआ। तो ये कितना ईजी कंप्लीमेशन हो सकता है, और हर एक टॉपिक के बाद उसके रिव्यू क्वेश्चंस तो हुई हैं, क्वेश्चन के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी है जो भी आप देख पाएंगे। तो ऐसी खास खास चीज़ें मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, पूरी बुक आप तो तब देख पाएंगे जब आप इसे कहीं से देखते हैं या परचेस करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे परचेस करना है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लिंक दिया गया है और एक कोड भी दिया गया होगा ताकि आपको उसमें एडवांटेज मिल सके और उसके थोड़े से डिस्काउंट आपको वहां से मिल सकते हैं। बाकी आप जहां से परचेस करना चाहें यू आर फ्री टू परचेस इट फ्रॉम एनीवेयर। अगला जो पॉइंट है वो देखिए, बेस्ट एवर एक्सप्रेशन। हम जब बात करते हैं न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज की, खास करके पार्किंसन की, तो उसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मैकेनिज्म का जो फ्लो डायग्राम है विद कलर डायग्राम है, एक्सप्लेनेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा अगर इस डायग्राम को सुनेगा मतलब डायग्राम बोलता है, सुनना पड़ता है आपको, आपको शायद उठपटांग लगे, पर डायग्राम चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं क्या हूँ, कैसे काम करता हूँ, उसको सुनना आपको पड़ेगा। अगर आप सुन लेंगे तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है कॉपी में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, अफेक्टिव बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए सीनस के अंदर हमारे जो एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिटी होती है विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू एथेनॉल, वो क्या है, उसका एंटीडोट क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, उसे कैसे नलीफाई कर सकते हैं, इसके अलावा जो ड्रग है और ड्रग के स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या क्या हैं, वो भी आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ईच एंड एवरी पेज ऑफ दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं फिर से कहूंगा ये बी फॉर्म के लिए उतना यूजफुल नहीं होगा जितना कि मास्टर्स के लिए। हर एक टॉपिक के बाद देखिए रिव्यू क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे, रिव्यू क्वेश्चन को आप अटेंड करिए, अटेंड करने के बाद आपको लगता है कि कुछ चीज़ों का आंसर मुझे क्लियर नहीं हुए हैं तो इसी के बाद आपको इनका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। देखिए ये पूरा पूरा इनका आंसर एंड देयर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे एक्सप्रेशन तो यहाँ पे दिए हुए हैं आंसर के। आगे बढ़ते हैं अगले हाईलाइट की ओर, तो ये जो है वो है आपका दैट इज यूरिनरी सिस्टम, कौन से पार्ट पे किस तरह का फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, कौन सा ड्रग इसको अफेक्ट करता है, या किस जगह पे हम अपने ड्रग का मैकेनिज्म ऑक्शन समझ सकते हैं, वो एक सिंपल से डायग्राम से समझाया गया है। अगर एक डायग्राम आपको याद हो गया या आप एक डायग्राम समझ गए तो हर एक ड्रग का जो डायुरेटिक होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑक्शन साइट ऑफ एक्शन बहुत आसानी से आप समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सबको यहाँ पर बता नहीं सकता, चाहता तो हूँ मैं बता दूँ लेकिन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोकॉइड्स एनाल्जेसिक और लोकल एनेस्थेटिक के एक्सप्रेशन भी दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हिस्टामिन कैसे रिलीज हो रहा है, किस जगह पे बाइंड हो रहा है, उसका कौन सा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, एलर्जिक रिस्पॉन्स कहाँ से है, H1 रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो क्या होगा, कौन सी जगह पे H1 रिसेप्टर है, कौन सी जगह पे H2 रिसेप्टर है, कौन सी जगह पे H3 रिसेप्टर है, किनके बाइंड होने पे क्या असर होता है, H2 पे बाइंड होगा तो आपका पैराइटल सेल से कैसे एसिड सीक्रेशन होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो माइन्यूट डिटेल हैं जो कई सारे बुक्स में स्किप कर दी जाती हैं या पैराग्राफ में छिप जाती हैं उनको भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे देखिए जो पॉइजनिंग है उसको भी स्पेसिफाई किया गया है कि पॉइजन क्या है, उसका स्पेसिफिक एंटीडोट क्या है और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि एंटीडोट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं, वो भी यहाँ से क्लियर करने की कोशिश करी गई है। इस बुक के किसी भी पेज को खोल दीजिए, आप रैंडमली क्लिक करते जाइए या उसको ओपन करते जाइए, आपको डायग्राम, आपको फ्लो चार्ट, आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ आराम से मिल जाएगा। सो आज का जो मेरा रिव्यू था बुक रिव्यू के सीरीज में वह है फार्माकोलॉजी एन इलस्ट्रेटेड रिव्यू बाय मार्क ए सिमोन, पब्लिश्ड बाय थीम पब्लिकेशन। ये एक काफ़ी अच्छी बुक हो सकती है आपकी सेल्फ की लाइब्रेरी में, अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, अगर आप फार्माकोलॉजी में एम फार्मा कर रहे हैं, MBBS के स्टूडेंट हैं या फिर MD की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस बुक को जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो ज़रूर परचेस कर सकते हैं। इसमें हमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जैसे मैंने कहा इसमें हमें कोई पैसा नहीं मिलेंगे। अगर आप कितना परचेस करना चाहते हैं, कहीं से भी परचेस करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इनके वेबसाइट से अगर परचेस करेंगे तो उन्होंने हमें सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया हुआ है, तो आपको वहाँ पर एक डिस्काउंट मिल जाएगा जिसका कूपन कोड आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो अगर आप ये रखेंगे तो आपका एडवांटेज मिलेगा। अपनी एक लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा हूँ मैं, उस लाइब्रेरी में एक बुक ये भी है, इसीलिए मैंने आपको लेके आया है। हर एक बुक की रिव्यू नहीं कर पाते
हैं हम लोग, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कई सारे लीगल रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है, हमको पब्लिकेशन से परमिशन लेना पड़ता है, ऑथेंटिक परमिशन, ताकि आपके कंटेंट को हम शेयर कर सकें। इसीलिए मेरे पास सारी बुक होते हुए भी सबके रिव्यू नहीं डाल सकते, उनके प्रॉपर परमिशन और उनके अप्रूवल के बाद ही वीडियोज डलते हैं। इसलिए सिलेक्टेड वीडियोज के मैं आपको रिव्यू लेकर के आता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सीरीज है बुक रिव्यू की, वो काफ़ी यूजफुल लग रही होगी। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक अपना दोस्त इसे बनाइएगा, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ एक बुक से अच्छा दोस्त आपका कुछ नहीं हो सकता दोस्त। इसलिए दोस्त बनाना है अगर, तो इन बुक्स को बताइए, इन बुक के लिए पैसे बचाइए और परचेज करिए। आपका काफ़ी समय मदद करेंगे, काफ़ी समय आपका बचाएंगे, सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।